इसका आपके क्वेश्चन वन का पार्ट बी है। वो पहला फर्स्ट पार्ट जो था वो इंक्रीज का था, अब हम डिक्रीज का करवाने वाले हैं। ये सारे स्टेप्स वही फॉलो होंगे। आपको लिख देना है 37.12% ऑफ 216। सिंपल इस तरीके से परसेंटेज वाली वैल्यू यहाँ पे, नंबर वाली ये वैल्यू यहाँ पे। अच्छा अब ये देखो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो मैं चाहूँगा ये रफ़ के लिए जगह बना दी मैंने, आप इसको ना उसमें कन्वर्ट कर लो, क्या कहते हैं अपना डेसिमल के अंदर। तो सबसे पहले 37 को ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको प्रॉपर में चेंज करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 75/2। अब 75/2 का फ्रैक्शन लेकर देखाओ तो 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता उससे छोटा, 6 आता है 3 टाइम्स में, तो ये नीचे 1 आ गया और ये 5 ऐसे ही नीचे उतर जाएगा। ये हो गया 15, 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता लेकिन 7 टाइम 14 आता है, तो यहाँ बचा 1। अब 1 तो 2 से छोटा है, तो यहाँ लगा दो क्या पॉइंट, इसकी वजह से लग जाएगा यहाँ पे 0। तो 2 के टेबल में 10 आता है, 5 टाइम आता है, तो ये हो गया पूरा। अब आपका आंसर क्या आ गया, 37.5%। तो ये हो जाएगा 37.5% ऑफ 216। अब इसको आप लिखो 37.5/100 मल्टीप्लाई बाय 216, सही इस तरह। अब 37.5 मल्टीप्लाई करवा दो आप 216 से, तो ये हो जाएगा 37.5 216 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, 6 7 42, 42 + 3 आ गया हमारे पास 45, 6 3 18, 18 + 4 ये हो गया 22। यहाँ एक ज़ीरो पहले ही आ जाएगा, 1 5 5, 1 7 7, 1 3 3। थर्ड वाले तीसरे नंबर से करवाते हुए 2 0 आपको लिख देने हैं पहले, ये सीढ़ी चल रही होती है इस तरीके, सही है। 2 5 10 +1 यहाँ चला जाएगा, 2 7 14, 14 + 1 15, 2 3 6, 6 + 1 7, 0 ये 000 तो 0 हो जाएगा, 5 + 5 10, 1 यहाँ चला जाएगा कैरी होके, 3 7 + 3 ये भी 10, 1 यहाँ चला जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 1 यहाँ चला जाएगा, 1 + 7 हो जाएगा 8। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, एक डिजिट के बाद ना, तो यहाँ भी डेसिमल ये लग जाएगा, तो ये फाइनल आपके पास नंबर क्या निकला, 8100/100। 2 0 यहाँ से कट गए, 2 0 यहाँ से कट गए, ये हो जाएगा 81/1, जो कि आपके पास बनता है 81। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपके पास 2। अब इसमें देखो डिक्रीज करना, यानी हमें 216 में से 81 माइनस करना है, तो आपके पास 216 में से अब 81 माइनस कर लो, 6 - 1 5। अच्छा यहाँ पे 1 कैरी लिया, ये हो जाएगा 1, 11 - 8 क्या हो जाता है हमारे पास 3, ये हो जाएगा 135 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, सही है।